कंस्ट्रक्ट ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम आपको बनाना है एबीसीडी। ये क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, बिकॉज अगर आपको ट्रेपेजियम क्लियर हो गया बनाना तो आप बहुत क्लियरली पैरेललोग्राम रोम्बस भी बना लेंगे। तो ट्रेपेजियम ड्रॉ करने के लिए या इस तरह की कंस्ट्रक्शन करने के लिए सबसे पहले आप रफ डायग्राम बनाएंगे। रफ डायग्राम क्या होगा, कोई भी ट्रेपेजियम बना लीजिए इस तरह का, ठीक है। अब उसके हिसाब से जो डायग्राम आपका बना हुआ है उसके हिसाब से नेमिंग करिए। अगर आप बनाते हैं ए बी सी डी, तो आपने देखिए फॉलो कर लिया इसको, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अब आप देखते हैं ए बी इज 4.6 सेंटीमीटर। देखिए रफ डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। अगर रफ डायग्राम आपने इससे बना लिया विदाउट मेजरमेंट, तो आप मान के चलिए आपको 2 मार्क्स तो कहीं लेंगे आउट ऑफ 5 मार्क्स। 4.6 सेंटीमीटर ए बी ड्रॉ कर लिया, ए बी सी 90 डिग्री है। अब प्रॉब्लम हो गई, प्रॉब्लम क्या हो गई, जो हमने ड्रॉ किया है इसमें ए बी सी 90 डिग्री लगी नहीं है, तो हम रफ कर देंगे, यानी अपने जो रफ डायग्राम जिसको पेंसिल से बनाया है उसको सही कर देंगे इस तरीके से। तो हमारा नाम हो गया ए बी सी 90 डिग्री और डी ए बी 120 डिग्री। फिर प्रॉब्लम आ रही है डी ए बी 120 डिग्री, तो 120 डिग्री जो होता है आप सबको पता है 90 से थोड़ा ग्रेटर होता है, कितना होता है हमें नहीं पता। तो ये ले लिया 120 डिग्री, बट ये 90 से ग्रेटर होता है, 90 अगर ये है तो 120 यहां पे आएगा और 60 यहां पे आएगा, ये चीज क्लियर होनी चाहिए। तो हमने बनाते हैं रफ डायग्राम जो इन कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। अब एक दिया हुआ पैरेलल बिटवीन साइड्स, इन साइड्स के बीच में जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज 2.9 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस कितनी है, 2.9 सेंटीमीटर। दो पैरेलल लाइन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया होता है हमेशा, वो फिक्स है कितना, 2.9 सेंटीमीटर। तो हमें इस तरह का एक रफ डायग्राम बनाना है, दैट इज कॉल्ड ए बी सी डी। जब आप इतना बना देंगे तो आप श्योर मान लीजिए कि आपको 2 मार्क्स तो मिल ही गए, चाहे आप सही से कंस्ट्रक्ट कर पाए या ना कर पाए। तो अब सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन पे आते हैं, दैट इज कॉल्ड ए बी, ए और बी। आप क्या करोगे, यहां से कंपास एक स्केल से लाइन ड्रॉ करोगे और ए बी लेंथ को एक आर्क लगा दोगे, दैट इज कॉल्ड 4.6 सेंटीमीटर। उसके बाद क्वेश्चन का रफ डायग्राम आप देखिए, जिसको आपने रफ डायग्राम ड्रॉ किया है, 90 डिग्री बी ड्रॉ हो रहा है, तो यानी बी पे आप 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे। दिस वन यहां कंपास है, दिस इज कंपास, और ये ऐसे पेंसिल से आर्क आएगी दिस वन। फर्स्ट आर्क 60, फिर 120, पहला आर्क 60 आता है, फिर 120 आता है, फिर आप यहां पे ऐसे आर्क लगाएंगे इस जगह से, दिस इज जहां मैं डॉट लगा रहा हूं, ये लिख रहा हूं, वो समझिए कंपास की आयरन नेप होती है, आयरन नेल होता है, और जो ये आर्क लग रहा है ये पेंसिल से लगता है। तो दिस वन, ये और आप इसको मिला दीजिए, दिस इज 90 डिग्री। इतना कंस्ट्रक्ट हो गया, यानी बी आपने कंस्ट्रक्ट कर दिया। प्रॉब्लम आ रही है कि व्हाट इज अबाउट 2.9, यानी जो भी ट्रेपेजियम आप बनाते हो उसकी कुछ हाइट होती है ना। इत्तेफाक से बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया है, आपको हाइट दे रखा है, तो आप क्या करोगे, यहां पर कंपास रखोगे और 2.9 सेंटीमीटर का आर्क लगाओगे। सपोज करो ये आर्क लग गया, दिस इज 2.9 सेंटीमीटर का आर्क लग गया। आप इस आर्क को थोड़ा सा पेंसिल से आप बनाएंगे, हो सकता है यहां पे आ जाए, दिस इज फॉर 2.9 सेंटीमीटर का आर्क। जो आर्क लगाया है यही आर्क का सी हो सकता है, कंफर्म नहीं है, बट देखिए बी के जस्ट ऊपर वाली 90 डिग्री लाइन पे ही सी था। तो आप यहां पे क्या करोगे, एक 90 डिग्री और ड्रॉ करोगे इस जगह ऐसे, यहां कंपास रखना, ऐसे पेंसिल चलाना, यहां से पहला आर्क 60, फिर 120, और फिर यहां पे कंपास रखोगे और यहां पे, और आप देखेंगे मिड में ही आएगा, और एक लाइन ऐसे करके ड्रॉ कर देंगे। दिस इज, ये जो 90 डिग्री बन रहा है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि दो लाइन पैरेलल होती है, तो उनके बीच जो एंगल बनता है जिसको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स या अपोजिट एंगल्स, ये होंगे सेम, तो ये 90 डिग्री आ जाएगा, ये 90 डिग्री, ये पैरेलल हो गया, और यही पॉइंट सी हो गया। अब आपको क्या करना है, ए एंगल ड्रॉ करना है। तो ए पे आप कंपास रखिए, पहला आर्क लगाइए दिस वन, फिर फर्स्ट आर्क और सेकेंड आर्क, ये डी है, और इसको बढ़ा दीजिए, जहां इस लाइन को कट करेंगे दैट इज कॉल्ड टू। तो ये आपका रिक्वायर्ड हो गया, क्योंकि ये इसमें आपको दिस वन 90 डिग्री मालूम था, ये आपने लिख लिया, आपने ए बी का यूज कर लिया दिस वन, और इस हाइट का यूज कर लिया, और दिस एंगल ये भी यूज कर लिया। इस तरह आपने ड्रॉ कर लिया, कंस्ट्रक्शन बहुत सिंपल है। सबसे पहले ए बी लाइन ड्रॉ करेंगे, बी पे 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करेंगे, सी पॉइंट का आर्क से कट लगाएंगे, कहां से कंपास ऐसे रखेंगे और यहां पे आर्क कट करेंगे, उसी पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल ऐसे पैरेलल लाइन के लिए बनाएंगे, ठीक है। और 90 डिग्री एंगल किसी भी पॉइंट पे बनाते ऐसे हैं, एक लाइन ड्रॉ करो कोई पॉइंट ले लो,
और यहां से कंपस रखो और ऐसे आर्क लगा दो, ठीक, और सेम आर्क बिना आर्क चेंज किए 60 फिर 60 और बीच में यहां से दिस वन, ये 90 डिग्री बन जाएगा, सबसे इजी होता है। फिर से देखिए आप लाइन ड्रॉ करिए, पॉइंट लीजिए, एक आर्क लगाइए इस तरीके से, फर्स्ट आर्क 60 फिर 120 यहां से इधर और यहां से इधर मिला दीजिए, दिस इज 90 डिग्री, सिंपल, इसको कंप्लीट कर लीजिए। इसी तरह बहुत सारे क्वेश्चंस कराएंगे।